हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैक्ट मैनिया। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 3 बेस्ट म्यूज़िक प्लेयर्स की। तो चलिए दोस्तों, हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे N7 प्लेयर से। तो गाइस, ये काफ़ी कूल है एंड मैं से काफ़ी दिनों से नहीं, मैं हाल फिलहाल इसे कल ही दिया, मैंने इसे डाउनलोड किया है एंड मैं दिखा देता हूँ कि तो वैसे तो ये ट्रायल वर्जन है, आपको पेड वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपका इसका जो प्रो वर्जन है उसका ऐप का लिंक जो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसे प्ले स्टोर से ट्रायल वर्जन भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो चलो मैं बताता हूँ इसके फीचर्स। तो सबसे पहले तो आप इसका इंटरफेस देख लो, काफ़ी कूल है ना गाइस। मुझे पता ही आपको ये पसंद आया होगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये देख सकते हो। एंड जूम आउट करेगा तो आपका जो एल्बम्स आर्ट है एंड एल्बम्स है उसको देखने को मिलेगा आपको। यहाँ से आपको सेटिंग में आपको काफ़ी आप कस्टमाइजेशन भी कर सकते हो, बट यही है कि इसमें आपको प्रो वर्जन आपके पास होगा तो आप ज़्यादा इसमें कस्टमाइज कर सकते हो। तो बस इतना ही था। और इसमें काफ़ी हद तक इसके जो इक्वलाइजर्स भी है वो भी काफ़ी हद तक सही है, अगर आप हेडफोन ये सब यूज़ करते हो तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये आपका जो बेस है वो कम बढ़ा सकते हो, या आपको ये सब पसंद है रॉक डांस टेक्नो परफेक्ट जो भी हो आप इसे अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। एंड चलिए फिर दूसरे ऐप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है ब्लैक प्लेयर। तो गाइस, ये मैं 5 महीने से यूज़ कर रहा हूँ इस ऐप को एंड कैसे मैं बता रहा हूँ कैसा ऐप, अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं एंड मैं काफ़ी हद तक इससे सेटिस्फाइड हूँ एंड मैं इससे आई विल कीप यूजिंग इट। एंड चलिए बता देता हूँ क्या है इसमें। ओपन एक एंड देख सकते हो कि काफ़ी कूल लग रहा है एंड एक्चुअली ये ब्लैक कलर में आपको जब ओपन करोगे तो आप ब्लैक कलर में आपको ये इसका जो UI दिखेगा। एक्चुअली मैंने इसमें कुछ कस्टमाइजेशन किया है एंड मैं आपको बता देता हूँ इसमें है क्या क्या। आप देख सकते हो ये आपका जो म्यूज़िक UI है, जहाँ आपका जो म्यूज़िक प्लेयर का जो मेन UI है ये है एंड राइट स्वाइप करोगे तो आपको कुछ ये आपके जो करेंट प्लेइंग सॉन्ग्स हैं वो आपको दिखेंगे एंड जो आप नेक्स्ट जो आप म्यूज़िक प्ले करना चाहते हो आप इसे वहाँ पे जाकर। तो काफ़ी कूल है एंड तीसरा जो इसका जो खास तीसरा खास बात है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जो इसका बेस इसका काफ़ी अच्छा है गाइस। आप नॉर्मल से नॉर्मल हेडफोन यूज़ करो उसमें भी आपको ये काफ़ी अच्छा साउंड क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराएगा एंड आपको काफ़ी हद तक आपको ये अच्छा लगे। एंड जो साउंड बैलेंस है जो आपके ईयरफोन्स है यानी किसी में कम ज़्यादा है तो आप इसमें उसमें भी इसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, जो आपके लेफ्ट या राइट हेडफोन के जो बर्ड्स होता है, ठीक है गाइस। एंड इसके एम्पलीफायर का भी ऑप्शन मिल जाता है जो आपके साउंड को इंक्रीज कराएगा एंड काफ़ी कूल है। आप यहाँ पे जाकर सेटिंग में जाके आप अपने स्टाइलिंग नाउ प्लेइंग इंटरफेस को भी आप काफ़ी चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एडवांस है जो आपको काफ़ी हद तक आपको काफ़ी हद तक एडवांस फील करवाएगा इस ऐप में। तो मैं तो यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी यूज़ करो एंड ट्राई करो एंड बताओ मुझे कि कैसा लगा। एंड मैं इसके ये प्रो वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ तो आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, तीसरे ऐप के बारे में बात करते हैं जो अभी हाल फिलहाल ही रिलीज़ हुआ है, इसे कुछ हफ्ते ही 1 या 2 हफ्ते हुए हैं इसे रिलीज़ हुए हुए एंड इसने काफ़ी हद तक मेरा दिल जीता है। एंड गाइस, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है प्ले स्टोर पे एंड बिकॉज अभी हाल फिलहाल ही ये रिलीज़ हुआ है तो इसके जो फीचर है उसमें और भी इसको और बढ़ाएंगे। तो चलिए, डेवलपर्स कह रहे थे कि इसमें और भी कस्टमाइजेशन और आपको मिलेगा करने को, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ ऐप को ओपन करके कि इसमें क्या क्या है। तो लेट्स ओपन दिस ऐप एंड आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो बता आपको वैसे सिंपल है गाइस एंड
आप मोर पे करोगे तो आपको यहाँ पे आपको जो सारे सॉन्ग्स हैं वो आपको दिखेंगे, एंड इसका जो मेन जो म्यूज़िक प्लेयर का जो यूआई है ये देखो भाई काफ़ी एडवांस्ड है। सिंपल आप राइट स्वाइप करोगे तो आपको जो जिस आपको जो सॉन्ग्स हैं वहाँ पे आपको मिलेगा, आपको बैक करने की ज़रूरत नहीं है। एंड मेन थिंग क्या है इसमें, मेन थिंग ये है कि आपको इसमें लिरिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। बस क्या करना है आपको, सॉन्ग्स के ऊपर क्लिक करके आपको राइट स्वाइप करना है, एंड ये रहा आपका लिरिक्स। कूल कूल है ये। एंड और इसमें मेन फीचर्स क्या है, चलो मैं दिखा देता हूँ। जो फ्लोटिंग विडजेट है काफ़ी कूल है, बस लॉन्ग प्रेस करो एंड देन सी। आप इसे किसी कहीं भी आके आप इसे प्लेस कर सकते हो, या गाइस कह रहा हूँ कि आप ये आप डाउनलोड करो एंड बताओ कि कैसा ही है। एंड अभी ये हाल फिलहाल अभी इसके 2 हफ्ते ही रिलीज़ हुए हुए हैं, एंड इसने तो मेरा दिल जीत लिया। आई होप कि ये आपको भी काफ़ी पसंद है। एंड किसके इक्वलाइजर के बारे में बात करते हैं तो ये नॉर्मल ठीक ठाक ही है, एंड मैं चाहता हूँ कि इसके जो डेवलपर है इसके यूआई इक्वलाइजर पे काम करें। एंड आपको और दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। और तो इसमें आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको कुछ डार्क थीम एंड सेलेक्ट प्लेइंग व्यूज के ऑप्शन काफ़ी मिलेंगे, एंड जो आपके जो प्राइमरी कलर एंसेंट कलर फ्लोटिंग विडजेट के बारे में आपको काफ़ी मिलेगा। आर्टिस्ट व्यूज़ काफ़ी इसमें काफ़ी जो जो लेटेस्ट फीचर्स हैं जो आप चाहते हो कि आपको ये मिले वो सब कुछ दिया हुआ है इसमें। एंड गाइस मैं तो काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ इससे, एंड काफ़ी हद तक कूल भी है। मैं चाहता हूँ कि आप इसे यूज़ करो, आप बताओ कि कैसा लगा आपको ये। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले इस ऐप को, इस वीडियो को। एंड इन तीनों ऐप्स के लिंक आपको मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दिया इस वीडियो के, तो आप ये तीनों ऐप के लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करके एंड ट्राई करके बता सकते हो आपको कौन सा अच्छा लगा। एंड प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, एंड कीप सपोर्टिंग मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।